कायदे आजम के मज़ार का छोटा सा एक मॉडल टाइप, इंशाल्लाह कभी देखेंगे, फ्यूचर में जाएंगे यहाँ पे भी इनके मज़ार को देख कर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला आवाज। आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे शक्करपड़ियाँ को, हम इसकी हिस्ट्री बताएंगे आपको, सारा कुछ बताएंगे, अंदर क्या क्या चीज़ है। वैसे देखने को कुछ है नहीं, एक मोनोमेंट है और एक सामने जो डोम टाइप बने हुए हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं आता मुझे, जो भी है वो दिखाएंगे आपको। आज से हम अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सप्लोर इस्लामाबाद। हम डिफरेंट प्लेसेस इस्लामाबाद एक्सप्लोर करेंगे, फैसल मस्जिद आ गई, शक्करपड़ियाँ, दामने को हो गया, छतर पार्क हो गया और एक दो और जगह, सारे हिस्ट्री बताएंगे आपको, जगह पूरी पूरी दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही, सीरीज़ कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ आपको शक्करपड़ियाँ की। ये 0 पॉइंट पे लोकेटेड है, 350 एकड़ रकबे पे मुश्तमिल है ये जगह, जिसको जनरल अयूब खान के दौर में शुरू किया गया था। 24 मई 1960 को इसी तमीर मुकम्मल हुई थी। ये एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस भी है साथ के साथ, और ये एक नेशनल पार्क के तौर पर भी जानी जाती है शक्करपड़ियाँ। चलिए साथ खुद देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं शक्करपड़ियाँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये सतह समंदर से 1998 फीट की बुलंदी पर है, काफ़ी हाइट पर बनी हुई है ये। आइए आपको इसका हाइट से व्यू भी दिखाते हैं साथ। जी पहला पेटल नंबर 1, जिसमें ग्वादर, किला रोहतास, फैसल मस्जिद, मस्जिद ठट्ठा, तरबेला बंद, सकाफती मुजाहरा, कब्रिस्तान मक्सी की अकासी का रहा है। इसके बाद आ जाएंगे पेटल नंबर 2 के ऊपर। इसी तरह हर एक पेटल किसी न किसी चीज़ की अकासी का रहा है। वीडियो में सारा इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो सारी लंबी हो जाएगी, बाकी वीडियो इंजॉय करिए। पेटल्स के बैक साइड पे, बैक साइड पे यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद का व्यू मिलता है, जिसके अंदर इस्लामाबाद की छोटी सी स्काई लाइन की नज़र आती है, जिसके अंदर 4-5 बिल्डिंग्स हैं, जैसे सेंटोरस आ गई, ये 3-4 बिल्डिंग और इसी के साथ स्काई लाइन ख़त्म, साथ ही पीछे मार्गला हिल्स का व्यू, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से आप चलते हैं मोनूमेंट की तरफ, थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, लेकिन रश बहुत है, देखते हैं टिकट मिलती भी है यही आज ना, ट्रिप्स वगैरह काफ़ी आए हैं स्कूलों के, देखते हैं टिकट परमिशन मिलती है अंदर जाने की या नहीं मिलती, चल के देखते हैं। आ चुके हैं टिकट लेकर अंदर, पर पर्सन हमें टिकट 100 रुपीज़ पड़ रही है अडल्ट और चलते हैं भी देखते हैं क्या क्या करते हैं। बिल्कुल एंट्रेंस पर खड़ी हुई है जी कायद आजम की गाड़ी, हाँ कायद आजम साहब की बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है पीछे उनकी, वो जिस पे सवारी किया करते थे, घोड़ा गाड़ी बग्घी टाइप। इस साइड को मुड़े तो सबसे पहले गंधारा हिंदुओं का कोई बना रहा है, ये भी कोई नहीं में से है। अंदर दिखाने वाले चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, सारे दिखाना इम्पॉसिबल है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। जो मैंने गोली मार है, गोली लगने की लामा इकबाल साहब नमाज पढ़ते थे, लामा इकबाल के नवादरात, जिसमें इकबाल सब सोच में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सोचे।
ये सब चेयर्स वगैरह उनकी लिखी हुई तहरीरें, घूमने वाला शेल्फ, बुककेस, इकबाल साहब की चेयर, सोफा, और पीछे रहा पंखा उनका। आज आजा पाकिस्तान का नजरनामा शॉर्ट फिल्म क्या रही है। मिनी सिनेमा टाइप बना रही है, छोटा सा सिनेमा टाइप। और देखते हैं आगे, ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं आप। कल जानन की नवादरात, कैद आजम सर के कपड़े, उनका सोफा, फिर उनकी कोट शेरवानी, उनके संदूक, वो खुद तशरीफ फरमाए, चार टेबल चेयर इधर है, फिर उनमें कुछ इसी तरह की चीज़ें, ये भी। फिर चलते हैं अब आगे, देखते हैं और अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। यह जी 3 जून का मनसूबा, जिसके अंदर सरदार अब्दुल्ला नश्तर, वो रहे जी लियाकत अली खान, उनके साथ पंडित जौहर लाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और हलवंत सरदार बलदेव सिंह, हाथों के चौकीदार भी खाना है। कैद आजम के मज़ार का छोटा सा एक मॉडल टाइप, इंशाल्लाह कभी देखेंगे फ्यूचर में, जाएंगे यहाँ पे भी इनके मज़ार को देख कर आएंगे। कैद आजम बतौर लॉयर, एज ए लॉयर, इसकी पोस्ट करके जिसने पढ़नी है पढ़ ली जी। कैद आजम साहब अपनी हमशीरा के हमरा बैठे हुए हैं इकट्ठे साथ दोनों, कितना इतफाक थे दोनों की देखा गया था। लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए, आप चलते हैं यहाँ सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर देखते हैं क्या देखने को। ये वो बग्घी जो मैंने शुरू में दिखाई थी, लेकिन वहाँ से नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ से देखिए। कायद आज़म अपनी हमशीरा के हमरा पता नहीं कौन से सफर पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल वगैरह पड़े हुए, पता नहीं किस काम के लिए रखे हुए हैं। ये एरिया फ़िलहाल बंद किया हुआ, पता नहीं किस वजह से बंद किया हुआ, काफ़ी पीछे दिखाने वाला बंद किया हुआ, तो हम जा तो सकते नहीं अंदर। आपको दिखाते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, ये गाड़ी है जी रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो, और ये दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है जी मर्सिडीज बेंज कुलेमैन S600। पहले पता नहीं गाड़ियाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर वगैरह की होंगी या सदर वगैरह की, उन्हीं में से किसी की होंगी, लिखा नहीं हुआ किसी गाड़ी है, और बहुत प्यारी गाड़ी है यार कसम से। नंबर देखें RIF 3201, RIF 3202, एक ही काफ़ी की दोनों गाड़ियाँ होंगी शायद। आई थिंक ये राज्य हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको ले नहीं सके तो साथ ही पानी के अंदर डुबा दिया गया, उन्होंने कहा हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं है। पता नहीं था मकसद क्या, मुझे नहीं पता कि ब्लू ब्लू किया हुआ है, एज ए मजाक उन्होंने क्या पानी में, पता नहीं क्यों तो ब्लू किया हुआ है। और देखते हैं बस ख़त्म यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है, चलते हैं निकलते हैं बाहर की तरफ। चलिए जी अब चलते हैं बाहर की तरफ, मैं गिरने लगा था, चलते हैं बाहर की तरफ, जो कुछ देखने वाला था दिखा दिया आपको, भी खुद भी देख लिया था, चलते हैं अब बाहर देखते हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।